दोस्तों नमस्कार। पर्थ टेस्ट पूरी तरह से शिकंजे में आ गया है ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 315 रन की बढ़त हासिल हुई है, और दूसरी पारी में उसने बजाय फॉलो ऑन देने के, फॉलो ऑन के पचड़े में नहीं पड़ा ऑस्ट्रेलिया, और बल्लेबाजी करने के लिए उतरा 315 रन की बढ़त के बावजूद, और उसने 29 रन बना लिए तीसरे दिन का खेल बंद होने तक। उस वक्त उसने एकमात्र विकेट जो खोया है उस्मान ख्वाजा का, और रॉच की गेंद पर वो आउट हुए डसिल्वा के हाथों, और इस तरह से 5 रन ही वो बना पाए। और खेल बंद होने तक डेविड वार्नर 18 रन पर खेल रहे थे, और लेबुशेन 3 रन पर खेल रहे थे। 27 गेंदों का सामना करके 3 रन पर खेलना बड़ा अचंभित करता है, क्योंकि मैच बहुत ही पकड़ में है और इतना ज़्यादा धीमा खेलना और कुछ समझ से परे है। हालांकि पहली पारी में लेबुशेन ने डबल सेंचुरी बनाई थी, और लेबुशेन के अलावा स्मिथ ने भी डबल सेंचुरी बनाई थी, और ट्रेविस हेड 99 रन बनाकर आउट हुए थे। तो अब अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो ब्रेथवेट ही एकमात्र बल्लेबाज थे जो चल गए, जिन्होंने 64 रन की पारी खेली, और बाकी ब्लैकवुड 36 रन बनाकर आउट हुए, और ब्रुक्स ने 33 रन का योगदान दिया। तो इस तरह से वेस्ट इंडीज का पुलिंदा बंदा, जिसमें मिचेल स्टार्क का बहुत बढ़िया योगदान रहा, 3 विकेट उन्होंने चटकाए, पैट कमिंस ने 3 विकेट चटकाए, और बाकी एक एक विकेट जो है हेजलवुड, कैमरून ग्रीन और को हासिल हुआ, नाथन लाइन को विकेट मिले। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली है। मिचेल स्टार्क की अगर हम बात करें तो ब्लैकवुड को जो उन्होंने आउट किया, फुलर लेंथ गेंद पर आउट किया, और वहीं उन्होंने ज्यादातर अपनी गेंदों को थोड़ा आगे रखा, और उनको 2 विकेट फुलर लेंथ गेंद पर मिले। दूसरा विकेट जोशुआ डासिल्वा का उन्होंने हासिल किया था, वो भी फुलर लेंथ गेंद थी, और इसके अलावा गुड लेंथ पर से छकाया था उन्होंने काइल मिल्स को। पैट कमिंस ने जो 3 विकेट चटकाए, ब्रेथवेट, रोस्टन चेज और अल्जारी जोसफ के भी उन्होंने विकेट चटकाए, और इन्होंने भी ज़्यादा अपनी गेंदों को गुड लेंथ पर या फुलर लेंथ गेंदों पर तक ही सीमित रखा। और वहीं हेजलवुड ने तेज नारायण चंद्रपाल, जो चंद्रलाल शिव नारायण चंद्रपाल के सुपुत्र हैं, जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, और उनको वार्नर के हाथों कैच कराया। आज ज़्यादातर विकेट जो है स्निक लगकर स्लिप की दिशा में गए, और वहाँ वो लपके गए। ज़्यादातर प्लेयर कैमरून ग्रीन को, जो ब्रुक्स को उन्होंने आउट किया था, वो विकेट कीपर के हाथों कैच कराया था फुलर लेंथ गेंद पर। और वहीं नाथन लाइन ने जस्टन होल्डर को का विकेट लिया लेग स्लिप में वार्नर के हाथों, और वहीं एक और विकेट जो उनको मिला वो भी स्लिप पर ही विकेट मिला, स्लिप पर उन्होंने कैच कराया था। तो इस तरह से जितने भी विकेट थे आज, या तो एजेस लगे, बाहरी किनारा लगा, स्लिप की दिशा में गेंदे गई और लपक लिए गए, और फुलर लेंथ और गुड लेंथ यानी शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल नहीं हुआ, और हुआ भी तो उन पर कोई विकेट हासिल नहीं हुआ, तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ा। जबकि पर्थ की विकेट बहुत ही तेज़ विकेट मानी जाती है, लेकिन यहाँ अब तक 600 करीब रन बन चुके हैं, और 315 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने पहले, क्षमा कीजिएगा, 315 रन की बढ़त हासिल हुई पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को, और अब 29 रन बनाए हैं दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर, यानी इस वक्त 344 रन की कुल बढ़त हो गई है ऑस्ट्रेलिया की। अब यही देखना है कि चौथे दिन कब पारी समाप्ति की घोषणा करता है ऑस्ट्रेलिया। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें कि आखिरकार पर्थ जैसी तेज विकेट पर भी रनों की इतनी बहार जो देखने को मिली है, वो वास्तव में कई तरह के सवाल खड़े करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।